कहेंगी चिल्ली पनीर खाने में बहुत टेस्टी लगता है और पनीर तो सबका फेवरेट होता है। चलिए देखते हैं कि चिल्ली पनीर कैसे बनता है। लेट्स गो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं हमें चिल्ली पनीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये हमने 3-4 शिमला मिर्च ली है जिसको हमने धो के साफ करके काट लिया है। ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको हमने काट लिया है, इसको भी फ्रेंड्स हमने क्यूब्स में काटा है। हमने एक बड़ा प्याज लिया है बड़ी साइज का। ये हमने सोया सॉस लिया है। ये हमने 3-4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। ये हमने ऑयल लिया है जिससे हम अपने पनीर को फ्राई करेंगे। ये हमने 3-4 हरी मिर्ची ली हैं जिसको हमने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। ये हमने 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है। ये हमने 4-5 लहसुन की कली ली हैं जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमने अदरक ली है जिसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमने लाल मिर्च ली है। ये हमने धनिया पाउडर लिया है। ये हमने नमक लिया है, टोमेटो सॉस लिया है और ये हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स चिल्ली पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। हल्के हाथ से फ्रेंड्स हम इसे मिला देंगे। फ्रेंड्स अब इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए, पनीर को 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे इसमें। और इसको हल्के हाथ से मिलाएंगे। हमारा पनीर अच्छे से मैदे में मिल गया है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। ये फ्रेंड्स हमने बचा हुआ मैदा ले लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसका एक पतला घोल बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें इसका घोल बनाना है मैदे और कॉर्नफ्लोर का। अब हम अपने पनीर को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हमने ऑयल को हाई हीट पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स हमारा ऑयल प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें पनीर को डालेंगे। पनीर पे मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स हमने अपने पनीर को डाल दिया है। इसको फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। पनीर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हम बचा हुआ पनीर भी डाल देंगे अपना। फ्रेंड्स हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे जो हमने लहसुन कली ली थी, और अदरक भी डाल देंगे। हमारी लहसुन की कलियां भुन गई हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम ग्रीन चिली डाल देंगे। हम सोया सॉस डाल देंगे। इसमें हम अपना टोमेटो सॉस भी डाल देंगे। ये हमने विनेगर लिया था, विनेगर भी डाल देंगे और हम सारी चीज़ों को मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। 1/2 टेबल स्पून हम रेड चिली ऐड कर देंगे। रेड चिली फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहो तो ना भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली थी। तो अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप रेड चिली को अवॉइड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिला देंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हम अपना पनीर ऐड कर देंगे, जो हमने अपना पनीर फ्राई किया था पनीर भी ऐड कर देंगे और मिला देंगे। हमारा पनीर फ्रेंड्स अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर का ये घोल बनाया था इसको हम भी डाल देंगे।
फ्रेंड्स, ये हमने कॉर्नफ्लोर का घोल डाल दिया है, अब मिला देंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम अपने पनीर को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा चिल्ली पनीर बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। और अब फ्रेंड्स, हम इसे सर्व करेंगे, कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सब्जी को सर्व कर लिया है। हमारी चिल्ली पनीर की सब्जी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप कभी भी इसे बना सकते हो। और आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, कभी भी किसी के साथ भी खा सकते हो। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, हमारी चिल्ली पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। फ्रेंड्स, चिल्ली पनीर की सब्जी बनाना बहुत इजी है। आपका जब मन करे आप अपने घर पे बना के खा सकते हो। आई होप कि आपको मेरा रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। बाय।